क्रांति फाउंडेशन की संचालिका सौम्या सिंह पटेल समाज सेवी 28 वर्ष की एक मंदबुद्धि महिला जो कानपुर की रहने वाली है, वह 7 माह की प्रेग्नेंट अवस्था में उसके परिवार वालों ने उसे घर से बाहर कर दिया। वह महिला 7 माह का प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी फतेहपुर में दर दर की ठोकरें खा रही है। यह महिला कल शादीपुर चौराहे पर घूम फिर रही थी, तभी समाज सेविका क्रांति फाउंडेशन की संचालिका सौम्या सिंह पटेल ने उन्हें अपने साथ जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं जिला प्रशासन से उनके स्वास्थ्य सेवाएं देखरेख के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर खादर विधायक श्रीमती कृष्णा पासवान ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित करते हुए समाज सेविका सौम्या सिंह पटेल खागा विधायक कृष्णा पासवान से मिलकर एक मजबूर अनाथ महिला के लिए उसकी देखरेख करने के लिए विधायक जी से मांग करते हुए कहा कि एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। महिला मुझे वहाँ पर जो कि नेत्रहीन है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है, वो शादीपुर चौराहे में मिली रोते हुए। उनसे बहुत पूछने के बाद भी, क्योंकि वो मेंटली अनफिट है, इसलिए वो बता नहीं पाई कि वो उनके साथ कोई है क्यों नहीं और वो कहाँ से है, कुछ भी नहीं बता पाई। जब मैं उनको समाज सेविका होने के नाते मैं आज सदर अस्पताल लेकर आई, तो मैं यहाँ पर पता चला कि वो 3 दिन से यहाँ पर एडमिट थी और कल बिना बताए यहाँ से गायब हो गए, किसी को नहीं पता चला, फरार हो गए। अब उसके बाद जब मैं उनको यहाँ पर लेकर आई, तो उसके बाद धीरे धीरे पूछा गया, मेरे पास वीडियो क्लिपिंग भी है, उसके अलावा आप लोग भी ले सकते हैं उनसे, कि उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो इतना पता चला कि वो खागा से हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने और जानकारी हासिल करी, तो पता चला कि वो मांगती हैं और एक रात वो गई किसी गांव में मांगते मांगते, और वहां पे जब वो बेहोश हो गई तो कुछ लोग वहां पे यहां पर एडमिट करा गए। इनके हस्बैंड जो है वो कानपुर के हैं, बहुत पहले इनको छोड़ चुके हैं, अकेली इनके आगे पीछे कोई नहीं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी का कोई नहीं है, वो लावारिस है, नेत्रहीन है, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो क्या हम में से किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हम उसे ऐसे छोड़ दे कि चलो उसकी किस्मत? आप ये बताइए कि 7 महीने की जो प्रेग्नेंट है औरत, उसको सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। आज वो दर्द की ठोकरें खा रही है। अस्पताल वालों से मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनकी बात भी जायज़ है, 2 महीने के लिए वो एडमिट करके नहीं रख सकते। लेकिन प्रशासन ने 3 बार पीआई रिपोर्ट यहाँ से जाने के बावजूद जिस तरीके से पल्ला झाड़ लिया है, मैं बेहद निराश हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो, क्योंकि वो इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते। जो भी लावारिस है या कोई किसी का नहीं है, उन सब की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है, आखिर वो हम सब की देखभाल के लिए ही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो महिला नेत्रहीन है और उठ उठ के बार बार भागती है, हर कोई बराबर उन पर निगरानी नहीं रख सकता, और वो यहाँ से जाती है, इधर उधर भिड़ती है, आपने भी कुछ क्लिपिंग देखे होंगे अभी, तो आप बताइए कि ऐसे हालत में उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। मैं आपसे, आप सब चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि उनको किसी के भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन पे नारी निकेतन पे शिफ्ट किया जाए। अगर फतेहपुर में कोई सही नारी निकेतन नहीं है, तो यहाँ के जिलाधिकारी जी उन्हें किसी अन्य शहर के अच्छे नारी निकेतन में भेजे, ताकि उनकी देखभाल हो पाए। क्या ये कितने दिन से ये भर्ती है यहाँ पर? 14 तारीख को यहाँ पे भर्ती। तो क्या अभी जो फरार भाग गई थी यहाँ से, क्या स्वास्थ्य विभाग उनको देखरेख नहीं किया? देखरेख कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 1-2 वार्ड्स हैं और इतने सारे पेशेंट्स हैं, वो बार बार भागती है। मैं बोल रही हूँ कि वो मेंटली अनफिट है, इसलिए बेहद जरूरी है कि उन्हें सही जगह पर पहुँचाया जाए। इनका बेसिक जितना होना था चेकअप और जितना एग्जामिनेशन होना था, वो सब हो चुका है, उनको देख लिया गया है, अभी उनके डिलीवरी की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए 2 महीने बाद ही जो भी नौबत आनी है वो आनी है। तो हॉस्पिटल की उनको फिलहाल जरूरत नहीं, उनको देखभाल की जरूरत है। मैं सौम्या सिंह पटेल, समाज सेविका, क्रांति फाउंडेशन की संचालक।